हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी माय टिप्स। आज हम बनाएंगे लेमोनेड। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू। तो मैंने 3 बड़े नींबू लिए हैं, पतले छिलके के, और ये हैं 2 ग्लास ठंडा पानी, पुदीना, पिसी हुई शक्कर, नमक, यह है काला नमक, और यह है जीरामन पाउडर, और हमें चाहिए आइस। तो हम सबसे पहले जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें हम पुदीने की पत्तियां डालकर इसे कूट लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। तो इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। तो हम यही वाला ठंडा पानी इसमें डालेंगे। और इसे कूट लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से इसका रस निकाल लिया है। तो अभी इसे हम छन्नी से छान के इसका रस अलग कर देते हैं। तो हमने ये रस निकाल लिया है और अभी हम नींबू का भी रस 1 कटोरी में निकाल लेंगे। जब हम नींबू का रस निकालना होता है तो हमने पहले क्या करना चाहिए, नींबू को किसी सख्त जगह पे रख के हाथ से इस टाइप से प्रेस करना चाहिए, अच्छे से इसे दबाना चाहिए और रोल करना चाहिए। इससे होता ये है कि नींबू नरम सा हो जाता है और इसका रस हमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, बिल्कुल नरम होने के बाद में इसका काफ़ी जूस निकलता है। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी 2 नींबू का भी रस निकाल लेंगे। हमने नींबू का रस निकाल लिया है। तो अभी हम जो 2 ग्लास पानी लिए थे हम सबसे पहले इसमें पुदीने का रस मिला देंगे। मैंने पुदीने का रस मिला दिया है। इसमें हम काला नमक डालेंगे। तो काला नमक मैंने 1/2 चम्मच लिया था, वो भी हमने इसमें मिला दिया। और जो हमने सादा नमक लिया था वो हमने 1/2 चम्मच से कम लिया है, उसे भी हम मिला देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो मैंने 3 नींबू लिए थे, 3 नींबू का रस इसमें हम मिला देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई शक्कर हमने इसलिए ली है ताकि जल्दी से इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो मैं इसमें 6 चम्मच डालूंगी। हमने 6 चम्मच इसमें शक्कर मिला दी है और इसे अच्छे से अभी घोल लेंगे। पिसी हुई शक्कर लेना है तो इससे क्या होता है, जल्दी से हमारी शक्कर इसमें घुल जाएगी। अगर आपको इसमें लगता है कि थोड़ा खटाई ज़्यादा है तो आप इसमें और भी शक्कर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अभी हम ग्लास रेडी करते हैं। तो हम सबसे पहले ग्लास में 1 से 2 आइस क्यूब डालेंगे। और अब इसमें पुदीने की पत्तियां डाल देंगे और जो नींबू थे उनको साइड में लगा देंगे। और अब इसमें हमारा जो हमने तैयार किया था जूस वो डाल देंगे। तो हमने हमारा लेमोनेड बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो अब इसके ऊपर हम बिल्कुल चुटकी से 1 चुटकी जीरामन पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बहुत टेस्टी बना है ये। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है और गर्मी में इससे ज़्यादा ठंडक और कोई चीज़ नहीं दे सकती हैं। तो आप ज़रूर इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।